पूरे देश भर में कई जगहों से खबरें आ रही हैं रिलीजियस राइट्स की। 2016 से लेकर 2020 तक का जो पीरियड था, इनमें 3,400 के करीब दंगे देखने को मिले धर्म के नाम पर। मुझे बता लो सब कुछ चला गया, मेरा कुछ भी नहीं रहा। जो राम राज के खिलाफ रहेगा उसको लातों से मार के हमें राम राज की स्थापना करने की आवश्यकता होगी। अपमान के बदले का चुनाव है। अगर वो हिंदू बनेगा हम उसको स्वीकार करेंगे, उसकी शुद्धि करवाएंगे। सवाल है कि आखिर भगवा के खिलाफ कौन लगातार प्रयोग कर रहा है। कार्ल मार्क्स जो कहते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर्स एक्चुअली में सब चीजों के पीछे हैं जो भी दुनिया में होती है। इतिहास में अक्सर देखा गया है कि जब लोग भूखे होते हैं, जॉबलेस होते हैं और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो देश में दंगे हो सकते हैं, कम्युनल डिसहार्मनी बढ़ेगी और इससे डिक्टेटर्स का राइज होगा। ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। अब क्या चाहिए, वोट था दे तो दिया, जी रहे थे कैद में मौत दे दी शुक्रिया। नाखून पे जमहूरियत है, जम गया है खून भी, आप ही तो हो अदालत, आप हो कानून भी। अरे आपसे कैसी शिकायत, आप तो हैं नींद में, आप जैसे 100 खड़े थे जाहिलों की भीड़ में। 100 में से अगर एक भी दे दे गवाही आपको, मैं खुशी से मान लूंगा भीड़ के इंसाफ को।